मरियम नवाज़ ने बड़े पुरएतमाद तरीके से कहा चौहान साहब कि मुल्क में जितने मर्जी तजुर्बात करा लें, आखिर में नवाज़ शरीफ ने ही आना है। क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, आज आप देखें कि इस पार्टी का अलमिया क्या है कि शायद हक्कान अब्बासी की आज तो बेल नहीं हुई, आज एक महीने बाद इनको मिलने की क्या ज़रूरत है, जब शायद हक्कान अब्बासी कराची भी जा रहे हैं, सब जगह दौरे भी कर रहे हैं, आज मरियम नवाज़ को मिलने की क्या ज़रूरत पड़ी है। ये दरअसल मैं थोड़ा इसका आपको बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून अब लीडरलेस पार्टी है। अब ये जो बादशाहत थी बड़े अरसा चल गई, मीडिया वाइब्रेंट है, एक नई यूथ कौम पाकिस्तान में, एक नई जनरेशन आ चुकी है, अब लोगों को बड़ी अवेयरनेस है। अब वो दौर नहीं रहे पुराने कि ये जब मीडिया को कवर करके या अखबार को कवर करके अपने इश्तहार लगा के हुकूमत करते थे, आज हर चीज़ मॉनिटर हो रही है। आज देखें, ये जो इन पे आज ये जो निकलना पड़ा है, ये इसीलिए निकलना पड़ा है कि ये सबसे पहली बात तो अपोजिशन लीडर ही नहीं है यहाँ पे। जितनी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है उतनी ही अपोजिशन की भी जिम्मेदारी होती है। अपोजिशन को भी लोगों को वोट लेके आए हैं। आज 4 महीने से मियां शहबाज शरीफ, 3 महीने से वहाँ बैठे हुए हैं लंदन। आप मुझे बताएं वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की इलाज के बारे में क्या सपोर्ट कर सकते हैं। हम दुआ को हैं अल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ को सेहत दे, लेकिन मियां शहबाज शरीफ वहाँ लंदन बैठे हुए क्या कर सकते हैं। अगर उनका कोई ऑपरेशन प्रोसीजर भी होगा तो वो मैक्सिमम है वो खाना पहुँचा सकते हैं, तो खाना पहुंचाने के लिए तो पूरा खानदान उधर पड़ा हुआ है। ख़ास तौर पे वहाँ एक स्पेशलिस्ट हैं, इसहाक डार भी बैठे हुए हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की और शहबाज शरीफ की सारी फैमिली बाहर बैठे हुए हैं। आज देखें, आज वोट लेकर आप गए हैं। और मैं एक और आपसे बात शेयर करना चाहता हूँ कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, ये अपोजिशन नहीं करते पाकिस्तान में रह के, परवेज मुशर्रफ के दौर में देख लें, ये डील करके बाहर चले गए थे।